गुजरावाला में इस वक्त डबल एसोसिएट ट्रिपल एसोसिएट प्रेजेंट मार्क और चैंपियंस लीग का फाइनल जो मैच है वो चल रहा है ग्रुप स्टेज का, और इस वक्त पॉइंट टेबल पर हम एक नज़र दौड़ा लेते हैं। पॉइंट टेबल की अगर हम बात करें तो इस वक्त पूल ए में स्ट्राइकिंग पैंथर्स जो हैं वो टॉप कर रहे हैं 6 पॉइंट्स हैं उनके, राइजिंग ज़ेब्रास जो हैं नंबर 4 पे हैं। तो ये दोनों टीमें अगले राउंड के लिए थ्रू कर चुकी हैं। पूल बी में अगर हम देखें तो MCC KPK टाइगर के 4 पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि क्वालिफाई कर चुकी है, उनका मैच जारी है। बड़ा ही मेहमत टोटल लगाया उन्होंने और क्या जबरदस्त इनिंग खेली है आज, 122 रन्स स्कोर किए हैं उन्होंने एज ए टोटल, और काफ़ी मुश्किल होने वाला है ईगल आइज़ के लिए इसको डिफेंड इसको जो बनाना। वेलिंगटन जैगुआर्स फिलहाल नंबर 2 पे हैं। एक मैच के बाद फैसला हो जाएगा कि पूल बी में कौन सी दो टीम जो है वो थ्रू करने वाली हैं अगले राउंड के लिए। MCC KPK टाइगर्स का फिलहाल जो है वो कन्फर्म है कि वो अगले राउंड में जा चुके हैं, तो मुश्किल होने वाली है ईगल आइज़ के लिए क्योंकि काफ़ी बड़ा टोटल है। बल्कि ग्रुप स्टेजेस में हमने जितने भी मैचेस देखे हैं ये सबसे बड़ा टोटल था। एंड नाउ बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू इस्मा असलम। अंदाजा हो गया होगा इस वक्त क्या सूरत हाल है ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारफोर चैंपियंस लीग 2021 के पॉइंट्स टेबल पर। ये एक तगड़ा मुकाबला, ईगल्स आई को 123 रन दरकार होंगे 20.50 की औसत से इस इम्पॉर्टेंट मैच में फतह के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि एक मैच जीते हुए वो एक में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगर ये टारगेट चेस करने में कामयाब हो जाते हैं, खुर्रम चकवाल जैसे बैट्समैन इस टीम में मौजूद हैं, तो उस सूरत में वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे कल सेमीफाइनल के लिए। ऑलरेडी MCC KPK टाइगर्स की टीम जिन्होंने 123 रन का हदफ दिया इस्माइल 1122 ईगल आई को, वो क्वालिफाई कर चुके हैं। आज सरमद हमीद की शानदार बैटिंग, 58 रन स्कोर किए दोनों अंपायर्स, दो टू भट्टीज ग्राउंड में जाते हुए सरमद एंड रशीद भट्टी, और इन्हें देखने के बाद मुझे अपने काबिल एहतराम उस्ताद जंग एंड जियो ग्रुप के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब की भी याद आती है। बहुत मेरे काबिल एहतराम उस्ताद वैसे मुझे अब कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन कर सके हैं जुहेब इखलाक, हमारे नौजवान और शानदार कमेंटेटर। वेलकम करते हैं आपको जुहेब। शुक्रिया नसीम भाई, एक बड़ा टोटल सेट किया है MCC KPK टाइगर्स ने, इस लीग का सबसे हाईएस्ट स्कोर कर पाई है MCC KPK टाइगर्स, और दोनों ही बल्लेबाज खुर्रम चकवाल और अकबर कोहली वॉकआउट करते हुए, और शुरू ही से छक्के और चौकों की बरसात करनी होगी अगर इस टोटल को हासिल करना है। बिल्कुल डिफ़िकल्ट टास्क है, इम्पॉर्टेंट टास्क है अगर अपने आप को इस टूर्नामेंट में रखना है, अदरवाइज चांस तो इनका होगा। रन रेट ये कहाँ तक लेकर जाते हैं ये देखना होगा क्योंकि बाकी टीम्स के भी 2-2 पॉइंट्स हैं, तो उस लिहाज से अगर ये मैच लूज भी करते हैं तो इन्हें अपने रन रेट बहुत संभालना होगा, उस पर बहुत काम करना होगा। यहाँ जुहेब जी बिल्कुल, रन रेट की गेम और मैथमेटिशियन की गेम होगी, और इस मैच को कैलकुलेट करके खेलना होगा कि अगर हारते भी हैं तो किस मार्जिन से हारें, कितना क्लोज लेके जाएं इस मैच को, ताकि जो नेट रेट, अगर नेट रेट पे बात भी आती है तो टीम को अगले राउंड में क्वालिफाई कर सकें। आपकी स्क्रीन के सामने अकबर कोहली लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, काफ़ी कमाल बल्लेबाजी करते हैं। अब देखना ये होगा कि ये किस तरह अपनी टीम का के लिए सूदमंद साबित होते हैं, और आपकी स्क्रीन के सामने खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया का टाइटल इनके सर पे, देखते हैं इनको भी देखना पड़ेगा। काफ़ी ऑफ कलर नज़र आए हैं नसीम भाई, खुर्रम चकवाल जितना उनका नाम था उस तरह की अभी तक कोई परफॉर्मेंस दी नहीं उन्होंने। जी बिल्कुल सही बात की आपने कि अब तक खुर्रम चकवाल की जानिब से अगर हम उन्हें एशिया के जान कहते हैं, मोहम्मद यासीन खान बॉलिंग का आगाज़ करेंगे यहाँ MCC KPK टाइगर्स के लिए। वाकई में ये इनिंग्स ड्यू है, जियो सुपर के नाजरीन भी देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान और दुनिया भर में देखा जा रहा है। खुर्रम चकवाल का बैट अब तक खामोश है, ये इम्पोर्टेंट इनिंग है, और आज खुर्रम चकवाल को बताना चाहिए क्यों उन्हें किंग ऑफ एशिया करार दिया जाता है। जी और नसीम खान जो फरहाद अब्दाली की रिप्लेसमेंट में आए हैं, जो कोई इंजरी की वजह से ये मैच नहीं खेल रहे, और ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है खुर्रम चकवाल एंड कंपनी के लिए क्योंकि फरहाद अब्दाली ने पिछले दो मैच से कमाल की बॉलिंग करवाई थी। बिल्कुल की बॉलर का ना होना इस्माइल 1122 ईगल आई की उम्मीदों को और तकवीयत दे सकता है। फुल टॉस गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया यहाँ अकबर पोली ने, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचाया, और ये नो बॉल भी थी, तो पहली गेंद नो बॉल, इस तरह फ्री हिट होगी यहां पर। 7 रन हासिल हो गए यहां पहली गेंद पर।
जी बिल्कुल, ओवर वेस्ट हाई और इसको डिपॉजिट किया बाउंड्री से बाहर, बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए एंड दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। नसीम खान बॉलिंग जारी रखेंगे। इस बार ऑफ सबसे खासी बार गेंद, एक और एक्स्ट्रा का रन। इस तरह अब तक कोई गेंद नहीं हुई है और 8 रन ईगल्स आई हासिल करने में कामयाब हो गए, तो अच्छा स्टार्ट कह सकते हैं। जी बिल्कुल, 20 के लगभग रिक्वायर्ड रन रेट है और बगैर किसी बाल के 8 रन मिल चुके हैं, तो अब टारगेट इनको 115 समझने करना है 6 ओवर में। एक और वाइड गेंद, बहुत ही भार थी। इस वक्त नसीम खान लाइन और लेंथ बरकरार रखने में नाकाम है। बगैर कोई गेंद के 9 रन बोर्ड पर आ चुके हैं ईगल्स आई के लिए और ये लोग गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले अपने इस शहर में इवेंट को देखकर बहुत महसूस हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक्स्ट्राज पे कंट्रोल करना होगा क्योंकि अगर ये पहला ओवर मैच का अगर बड़ा लग जाता है, लाइक 25 और 30 रन का ओवर हो जाता है, तो टारगेट काफ़ी आसान हो सकता है। टारगेट भी आसान होगा और प्रेशर भी कम हो जाएगा बैटिंग साइड पर। नसीम खान, अकबर पोली को गेंद कराई और फिर नो बॉल। अब तक कोई गेंद नहीं हुई है और स्कोर बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि 11 रन हो चुके हैं और अब फ्री हिट होगी, बोनस ही बोनस ईगल्स आई के लिए। जी हाँ, दो वाइड करवाई और उसके बाद ओवरस्टेपिंग करते हुए देखना ये होगा, काफ़ी आगे बॉल करवाई थी और कम से कम 2 से 3 इंच पाउंड उनका लाइन से आगे था और टीम मीटिंग बैठ गई है ताहिर इस्लामाबाद समझाते हुए बॉलर को कि इजी लैम, पहला मैच है, प्रेशर ज़रूर होगा, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस देते हुए ताहिर इस्लामाबाद। फ्री हिट होगी और अब खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया होंगे स्ट्राइक पर। क्या ये फ्री हिट खुर्रम चकवाल का वो एतमाद जो पूरा पाकिस्तान जानता है बहाल करने में कामयाब होगी? जी बिल्कुल, जैसे आपने पहले भी कहा, खुर्रम चकवाल पे एक इनिंग्स ड्यू है और इस फुल टॉस गेंद को सामने की जानिब खेला, 6 रन हासिल किए। फील्डर की थोड़ी सी कैजुअल एफर्ट थी यहाँ पर, इस गेंद को रोक सकते थे, लेकिन खुर्रम चकवाल इस फ्री हिट का फायदा उठाने में कामयाब, 6 रन हासिल किए। जी हाँ, अगर खुर्रम चकवाल का बल्ला बोलना शुरू हुआ तो क्या कमाल बोलता है, और हमने विटनेस किया है खुर्रम चकवाल को एक ओवर में 6-6 छक्के लगाते हुए भी, और अगर उनका बल्ला बोलता है तो ये टारगेट आसानी से अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। आज खुर्रम की कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत मुख्तलिफ है, एक गेंद पर 17 रन स्कोर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं 6 नो बॉल पे, देन वाइड वाइड, फिर एक नो बॉल और फिर छक्का। खुर्रम चकवाल इन फुल फ्लो, जोरदार छक्का यहाँ खुर्रम चकवाल, किंग ऑफ एशिया का। जी हाँ, खुर्रम चकवाल यहाँ पे अपनी क्लास दिखाते हुए और इस बॉल को डिपॉजिट किया है बाउंड्री लाइन से बाहर, काफी एक्सपेंसिव ओवर साबित होता हुआ ये। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स, जोरदार छक्का। इस बॉल को सीधा स्टैंड में पहुंचाया और एक दफा फिर खुशाल खान, सनम इकबाल बॉलर को समझाते हुए, उनको कॉन्फिडेंस देते हुए कि मैच को इजी लें, बड़ा टारगेट उन्होंने चेज करना है। अभी तक 2 बालें सिर्फ करवाई हैं और 23 रन दे चुके हैं, काफ़ी महंगा ओवर ये साबित होता हुआ। एक दफा फिर स्ट्राइक पे है मौजूद खुर्रम चकवाल। और ये नो बॉल करार दी, लकी रहे खुर्रम चकवाल वरना कॉट बिहाइंड हो गए थे। एक्स्ट्रास की भरमार या नसीम खान की जानिब से, ये भी नो बॉल, बहुत लकी रहे खुर्रम चकवाल।
भाई। जी बिल्कुल, लकी भी रहे और स्कोर बोर्ड को अगर देखा जाए तो 24 स्कोर हमारे सामने और महज 2 बाले हुई हैं। ओवर स्टेपिंग कराई और आउटसाइड एज हुआ था सीधा कीपर के हाथ में, लेकिन एम्पायर ने नो बॉल का इशारा किया और फ्री हिट इस बॉल पे मिलेगी खुरम चकवाल को। लकी रहे इस बार। अब हम सीधे ग्राउंड में चलेंगे जहां इस्मा असलम इंटरव्यू के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच नसीम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्माइल 1122 ईगल्स आई के नंबर 3rd पे जो बैटर हैं वो हाफिज आकिब और पोला। तो सबसे पहले तो इनका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि पोला क्या, सबका नाम कैसे पड़ा है? आपके कोई आउट नहीं हो जब आपको जाना पड़ेगा, पोला क्यों कहते हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस एक निकनेम है हाफिज पोला के नाम से, और टेबल क्रिकेट में मुझे टेबल क्रिकेट का सुल्तान ही कहते हैं। अच्छा, निकनेम वैसे मेरा हाफिज पोला ही है। अच्छा, मुझे बताइए कि काफी इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, पहला ओवर है और एक्स्ट्रास की भरमार है, आपको लग रहा है कि प्रेशर ऐसे से लग रहा है कि जैसे केपीके पे प्रेशर है? हालांकि बहुत ही जबरदस्त टोटल लगाया उन्होंने 122, स्कोर उनका अच्छा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन अभी बहुत अच्छी है मैच पे, ग्रिप काफ़ी मजबूत कर लिया है, एक्स्ट्राज उन्होंने किए हैं और एक्स्ट्राज पे साथ साथ बाउंड्रीज आई हैं और काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है इंशाल्लाह। आपका एक बड़ा जबरदस्त स्टाइल है कि आप छक्का लगा के जो बल्ले से कुछ करते हैं, तो वो क्या है वो बताइए उसके बारे में जरा कुछ। बस वो एक लेवल है अपना, एक स्टाइल रखा हुआ मैंने कि जब मैं सिक्स लगाता हूँ, सिक्स लगा के बाद मैंने बल्ला जमीन पर ऐसे पटकना होता है और वो बहुत ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं इस बात को, बहुत हम भी बिल्कुल बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और छक्कों की भरमार है। आपका नंबर है इसके बाद, आई होप कि कोई आउट ही नहीं हो, आप लोग मैच जीतें, क्योंकि अगर मैच जीतेंगे तो थ्रो कर जाएंगे अगले राउंड में। जी बिल्कुल, हमारी दुआ है सारी टीम को, हम सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने बैट्समैन को, इंशाल्लाह हमारी यही दुआ है कि कोई आउट भी ना हो और हम मैच भी जीते। अच्छा, ये गर्मी की वजह से जो है ना, मुझे लगता है बैट्समैन को यहाँ पे फायदा मिल रहा है, बिकॉज बॉल ग्रिप नहीं हो पा रही है, हाथों में पसीना आ रहा है। हम लोग यहाँ पे खेल नहीं रहे लेकिन फिर भी मेरे हाथों में पसीना आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल, इसमें आपने बिल्कुल ठीक बोला, जब पसीना आ जाता है तो बॉल हैंड पे ग्रिप नहीं होता। ये एक और बहुत ही जबरदस्त छक्का लगा है, बॉल ग्रिप नहीं होता और बॉल जब अच्छी तरह ग्रिप नहीं होगा तो सही तरह फोर्स के साथ वो डिलीवर नहीं होगा और बैट्समैन को फायदा मिलेगा। ठीक है जी, ये एक बहुत ही जबरदस्त छक्का लगा और दिस 6 आवर्स ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। आपसे बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग मैच है और डू और डाई की सिचुएशन है, जीत जाएंगे तो थ्रो कर जाएंगे। विलिंगटन आपको काफी फायदा दिया है वैसे हार के। जी बिल्कुल, आप लोग दुआएं कर रहे थे? नहीं, दुआएं तो नहीं कर रहे, लेकिन पार्ट ऑफ गेम है, मैच है, हम अपने मैच के लिए दुआ कर रहे थे। पहले नंबर पर हमारा मैच था कि हम अपना मैच पहले जीतें, बाद में वो मैच देखा जाएगा, उनका हार हो जीत हो हमें इससे कोई फर्क नहीं था, हम अपना मैच जीतना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे हाफिज आकिब, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू इस्मा असलम, और आउट होने का खतरा, खुर्रम चकवाल आउट। बहुत ही एक्सपेंसिव ओवर, अब तक शायद इस इवेंट का सबसे एक्सपेंसिव ओवर था, लेकिन कीमती विकेट खुर्रम चकवाल की हासिल कर ली यहाँ। 38 रन का ओवर और यहाँ खुर्रम चकवाल की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर। ये आउट होने का मंजर, खुर्रम चकवाल के बहुत ही की विकेट आखिरकार हासिल करने में कामयाब हुए यहाँ एमसीसी केपीके टाइगर्स के नसीम खान। खुर्रम चकवाल 26 रन बनाकर आउट हुए, 38 पर एक ईगल्स आई। वेलकम बैक, 38 स्कोर हो चुका है, एक विकेट खुर्रम चकवाल की सूरत में नसीम खान ने हासिल की और काफ़ी एक्सपेंसिव ओवर करवाया पहला ओवर इनिंग्स का। अब देखना ही होगा कि एमसीसी के पीके टाइगर्स कैसे कमबैक करती है। जुहैब, ठीक है खुर्रम चकवाल आउट हो गए, लेकिन 38 रन अगर पहले ओवर में हासिल हो गए तो आपने 2 ओवर के रन स्कोर कर लिए, बाकी बैट्समैनों को बनाने चाहिए। एहतिशाम सत्ती बैटिंग के लिए आए। अच्छाम सत्ती, इनका ताल्लुक भी मरी से है और एक अराउंड बल्लेबाज हैं। हाफिज पोला के ऊपर इनको प्रायोरिटी दी गई है आज। हाफिज पोला काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले 2 मैचों में। अकबर पोली अब स्ट्राइक एंड पे मौजूद होंगे और बॉलिंग की जिम्मेदारी थंभाई है हमजा जदून को। हमजा जदून इंपॉर्टेंट ओवर करेंगे क्योंकि पहले ओवर में 38 रन बन गए, लेकिन खुशकिस्मती के खुर्रम चकवाल भी आउट हुए। फुल टॉस गेंद थी, जोरदार हिट यहां पर, गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया अकबर पोली ने।
And this six is brought to you by AAA Associates. खूबसूरती के साथ इस बॉल को डिपॉजिट किया बाउंड्री लाइन से बाहर, उल्टा बॉल तक। बॉलिंग में डिसिप्लिन नहीं नज़र आ रहा अभी तक हमें एमसीसी के पीके टाइगर्स की। जो भी बॉलर आ रहा है वो या तो फुल टॉस करवा रहा है या फिर एक्स्ट्रास की सूरत में रन कंसीड कर रहा है। अकबर पोली सामना कर रहे हैं, फिर फुल टॉस गेंद थी, इस बार आउट होने का खतरा, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया। अकबर पोली का कैच ड्रॉप हुआ, एक नई जिंदगी मिल गई यहाँ अकबर पोली को और ईगल्स आई को। जी बिल्कुल, फील्डिंग भी उस स्टैंडर्ड की नहीं की एमसीसी केपीके टाइगर्स ने, और ओवर्स जो करवाए बॉलर ने वो भी डिलीवरीज फुल टॉस या फिर एक्स्ट्रास की सूरत में। ये लो फुल टॉस थी जिसको डिपॉजिट करना चाहते थे बाउंड्री से बाहर। आसान सा कैच जो कि हाथों से लग के बॉडी से टकराया और सीधा गया ज़मीन पर। एक चांस दिया है अकबर पोली को जो खतरनाक साबित हो सकते हैं एमसीसी केपीके टाइगर्स के लिए। बिल्कुल, ऑलरेडी पहले ओवर में 38 रन बन गए, और अगर दूसरे ओवर में आपको विकेट लेने का चांस मिल गया था, पहले ओवर में भी खुर्रम चकवाल को आउट कर लिया था, तो कहीं ना कहीं आप अपर हैंड आपका जरूर हो जाता, लेकिन ये मौका गवा दिया यहाँ पर एमसीसी केपीके टाइगर्स। ये खूबसूरत मनाजिर जिनाह स्टेडियम गुजरावाला के, जियो सुपर प्रोडक्शन आपके सामने लाइव स्ट्रीमिंग मारखोर चैंपियंस लीग। हमजा जदून अपने बॉलिंग के निशान पे मौजूद हैं और उनका सामना करेंगे एहतिशाम सत्ती। खासी बहार गेंद थी ये हमजा जदून की, अंपायर का इशारा लाजमी तौर पे वाइड बॉल ही होगा, और ये सरमद भट्टी की जानिब से इशारा। एक्स्ट्रास के बहुत रन दे दिए यहाँ पर, अगर स्टार्ट ही देखें जुहेब तो 123 रन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इतने ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, ये टारगेट अब अचीवेबल नज़र आ रहा है, जैसे 1.2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। आउट होने का खतरा, गेंद हवा में तैरी, कैचेस छोड़ने का कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर एमसीसी के पीके टाइगर्स की जानिब से। ये विकेट हासिल करने का मौका मिल गया था एहतिशाम सत्ती की। जी बिल्कुल, दोनों ही बैट्समैन को चांस दे चुके हैं, एहतिशाम सत्ती को भी चांस दिया है, और तारी इस्लामाबाद बॉल को जज करने में नाकाम रहे। पीछे पड़ा हुआ ये बॉल था जिसको पुल करना चाहते थे, टॉप एज हुआ और तारी इस्लामाबाद बॉल को सही तरीके से जज नहीं कर सके और बिल्कुल भी नाकाम रहे, बॉल उनके हाथों से दूर गिरा। अगर इस मैच में वापसी करनी है तो 2-3 अच्छी बॉल्स करवानी पड़ेंगी। इस बार भी कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो सका, हालांकि फुल टॉस गेंद थी, लेकिन दौड़ के 2 रन हासिल की, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर पहुंचने में कामयाब। तीसरा रन भी दोनों बैट्समैनों ने दौड़ के हासिल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और तारी इस्लामाबाद उन्होंने भी अच्छी एफर्ट की, विकेट कीपिंग की पोजीशन से भाग के गए और पॉइंट से जाके उन्होंने बॉल को बाउंड्री से रोका और अपनी फुटबॉल स्किल्स शो की। जी हाँ, यकीनन 1-2 रन अपनी टीम के लिए सेव किए, और गुड बैकअप खुशहाल की जानिब से जिन्होंने बॉल को कलेक्ट किया और थ्रो किया। ड्रोन कैमरे का खूबसूरत मंजर जिना स्टेडियम गुजरावाला, जहां AAA एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 का ऑल इंपॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है। स्माइल 1-1-2-2 ईगल आई वर्सेस एमसीसी केपीके टाइगर्स के दरमियान 26 गेंदों पर 72 रन दरकार हैं। हार्ड बॉल में ये टारगेट ऐसा लगता है कि शायद चेस नहीं होगा, लेकिन टेप बॉल में ज्यादातर ये टारगेट चेस हो जाता है। डॉट बॉल अपील कर रहे हैं विकेट कीपर हमजा का, अच्छा कमबैक यहां पर। जी हाँ, 10 डिलीवरीज के बाद हमें कोई एक अच्छा बॉल देखने को मिला, और ये मैच इसलिए भी इम्पोर्टेंट है नसीम, क्योंकि आपके सामने नज़र आ रही होंगी एक तरफ छोटा विकी की टीम और दूसरी तरफ माउंटेन रोरिंग लाइन्स, दोनों ही इस उम्मीद में बैठी हैं कि खुर्रम चकवाल की टीम ये मैच हारे और किसी तरह उनके लिए कोई मौका बने और इस लीग में वो कैरी कर सकें।
कंट्रोल हाथ में है स्माइल 1122 ईगल आई के। बहुत ही अच्छी गेंद, शानदार गेंद, यॉर्कर लेंथ पर थी, कोई जवाब नहीं था यहाँ अकबर पोली के पास। इस तरह दो ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 51 पर एक ईगल्स आई। विकेट्स दरकार हैं एमसीसी केपीके टाइगर्स को। खुशहाल खान आए हैं बॉलिंग बॉलिंग के लिए, तीसरा ओवर करवाएंगे और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाई थी पहले मैच में, दूसरे मैच में भी अच्छी बॉलिंग करवाई थी और 72 रन रिक्वायर्ड इन 24 बॉल्स, बज़ाहिर मुश्किल लगता है लेकिन फिर भी अच्छा बॉल और इतना ही अच्छा शॉट है जिसको पहुंचाया है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। एंड दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। बिल्कुल टारगेट के मुताबिक अब तक खेले ईगल्स आई, उनकी टारगेट पे नजर बिल्कुल ईगल्स की तरह दिखाई दे रही है। 123 रन हासिल करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। एक और हिट यहां पर, फील्डर मौजूद लेकिन ऑकवर्ड बाउंस, फील्डर के ऊपर से गई गेंद और 4 रन हासिल हुए। खुशियां दिखाई दे रही हैं ईगल्स आई के डग आउट में। 219 छक्के लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में जी बिल्कुल, और ईगल आई के डग आउट में खुशियां और एमसीसी केपीके टाइगर से बॉलर की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया। खुशहाल खान थे जिन्होंने पहला बॉल शॉट ऑफ द लेंथ करवाया था, फोर शॉट ऑफ द लेंथ डिलीवरी, अच्छा बॉल था जिसको मैच, और यहाँ पे गैप में दोनों फील्डर्स को बाइसेक्ट किया और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 53 चौके और 168 छक्के, ये है ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021। चौका बड़ी मुश्किल से लगता है, इसकी बार बार देना पड़ता है हमारी प्रोडक्शन टीम को कि चौका भी लग गया। बिल्कुल चौके कम देखने को मिलते हैं और टेप बॉल का हुस्न ही यही है कि यहाँ पे छक्के ज़्यादा और चौके कम देखने को मिलते हैं। अच्छा बॉल, ब्लॉक होल में गिरा हुआ ये बॉल, अच्छा सत्ती बिल्कुल इस बॉल को समझ ना सके, अच्छा कम बैक खुशहाल की जानिब से छक्का खाने के बाद। देखिए अब तक जितना टारगेट है एमसीसी केपी के टाइगर्स की टीम कहीं ना कहीं खुशहाल है, लेकिन अगर इस ओवर में दो छक्के मजीद पड़ गए तो ये खुशहाली खत्म हो सकती है। खुशहाल खान को जरा ध्यान रखना होगा, करंट रन रेट 27.08, 16.11 रिक्वायर्ड फॉर द विक्ट्री। और ईगल्स आई ऑन द टारगेट, और अंपायर की जानिब से नो बॉल का सिग्नल। इस तरीके से एक और फ्री हिट, बॉलर ज्यादा खुश नहीं है कि ये वेस्ट हाइट से ऊपर गेंद नहीं थी और इसको चेक किया जाए, लेकिन अंपायर का डिसीजन हतमी होता है और अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि इसको जारी रखें। और अगर ये ओवर स्टेपिंग की वजह से दिए तो ये भी चांस लग रहा है जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि वेस्ट साइड से ऐसा लगा कि थोड़ी ऊपर ही है गेंद, क्लोज बहुत थी वैसे जुहेब, क्लोज कॉल था और एम्पायर का डिसीजन मानना पड़ता है और तमाम तर प्लेयर्स को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फ्री हिट का इशारा एम्पायर की जानिब से, 56 रन रिक्वायर्ड इन 20 बॉल्स, और अकबर पोली का बल्ला अभी तक खामोश है और देखते हैं जैसे खुरम चकवाल ने फ्री हिट पे अपना बल्ला खोला था अकबर पोली भी इसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं कि नहीं। अकबर पोली सामना कर रहे हैं और यहां पर डॉट बॉल, फ्री हिट बचाने में कामयाब रहे, ये मिस कर गए गेंद, वैसे अकबर पोली इसको हिट कर सकते थे।
जी बिल्कुल, पेस से रिसीव किया, चेंज ऑफ पेस डिलीवरी थी, बैक ऑफ दी हैंड खुशहाल खान ने करवाई और अकबर पोली पुल करना चाहते थे लेकिन उसमें नाकाम रहे, थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस भी मिला जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए। इन आठ टीमों के फ्लैग्स जो इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 में पार्टिसिपेट कर रही हैं, 19 गेंदों पर 56 रन दरकार ईगल्स आई को इस मैच में फतह के लिए। दैट बॉल करार दी अंपायर रशीद भट्टी ने। अकबर पोली और एहतिशाम सत्ती उम्मीदों का महवर है इस वक्त स्माइल 1122 ईगल्स आई के लिए। लास्ट मोमेंट में पुल किया खुद को खुशहाल खान ने, देखना यह होगा कि अपनी लास्ट बॉल को सेव करते हैं, अगर लास्ट बॉल को सेव करते हैं तो 3 ओवर में 56 रन रिक्वायर्ड होगा जो कि एक मुश्किल भी, एक तरह से मुश्किल भी है, और अगर अकबर पोली अपनी क्लास शो करते हैं तो आसान भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि इस बॉल पे क्या करते हैं। पुलेलन डिलीवरी जिसको खेल दिया है हवा में, फील्डर बॉल के नीचे होंगे लेकिन मैच तमाशाई का किरदार अदा करेंगे और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। फील्डर गेंद के नीचे तो होंगे लेकिन गेंद उनसे बहुत ऊपर होगी। 219 छक्के लग चुके हैं इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 में। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। और 73 रन्स 3 ओवर्स में बन चुके हैं और चौथे ओवर के खेल का आगाज हुआ चाहता है। टारगेट पर अब तक हैं ईगल्स आई और उनकी नजरें सेमीफाइनल पर जमी हुई हैं और अब तक बड़े कंटेंडर बनते जा रहे हैं। जी 18 गेंदों पर 50 रन्स नामुमकिन नहीं है। ये वाइड बॉल करार देंगे अंपायर, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा ये बाहर गेंद था। और केपी के टाइगर्स के साथ साथ वेलिंगटन जैगुअर्स की टीम भी केपी के की जीत की दुआएं कर रही है क्योंकि अगर ईगल्स आई इस मैच में शिकस्त खाती है तो फिर नेट रन रेट पर वेलिंगटन जैगुअर्स की टीम अगले मरहले में जाएगी। लेकिन अभी इनका रन रेट भी देखा नहीं है ईगल्स आई का, ये कितना बेहतर करने में कामयाब हो जाते हैं ये भी देखना होगा। जब तक फरहान ये मैच खत्म नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे गिरा हुआ गेंद था, इसको सीधा खेला साइड स्क्रीन के पास और नहायत ही शानदार कैच। अंपायर ने अभी सिग्नल नहीं दिया लेकिन जो डग आउट में जो खुशी थी, और ये शायद इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच है और ईगल आईज की उम्मीदों को बहुत बड़ा धचका लगा है इस कैच के साथ। बिल्कुल, ये दूसरी विकेट हासिल की यहाँ पर हमजा जदून की इस गेंद को सामने की जानिब खेले थे बैट्समैन ने लेकिन फील्डर ने दौड़ते हुए जो लेफ्ट साइड पे कैच था वो मुकम्मल करके इनिंग्स का खात्मा किया। इस तरह एहतिशाम सत्ती 20 रन बनाकर आउट हुए 74-2 ईगल्स आई। और अभी जिस तरीके की सूरत हाल है फरहान बैट्समैन इनके पास मौजूद हैं। इस दौरान हाफिज आकिब जो हैं वो क्रीज पर पहुंच चुके हैं, इन्हें हाफिज पोला के नाम से भी जाना जाता है टेप बॉल क्रिकेट के हलकों में। तो इस वक्त क्रीज पर पोला और पोली दोनों मौजूद हैं, अकबर पोली और हाफिज पोला। इस दफा हाफिज पोला सामना कर रहे हैं और लकी रहे इनसाइड एज होने के बाद गेंद स्टंप्स को नहीं लगा। बहुत अच्छी बॉलिंग यहां पर पिछले गेंद पर विकेट हासिल की थी हमजा जदून ने और एक और अच्छी गेंद हमजा की। और ये देखिए पॉइंट्स टेबल, स्ट्राइकिंग पैंथर्स क्वालिफाई कर चुकी है 6 पॉइंट्स के साथ और उनके साथ राइजिंग जीब्रास दूसरी टीम होगी पूल ए से। एमसीसी केपी के टाइगर्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन ये देखिए नीचे वेलिंगटन जैगुअर्स, ईगल आईज और रोरिंग लॉयंस, ये तीनों के दो दो पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट में ईगल आईज और रोरिंग लॉयंस बहुत पीछे हैं। अगर यहाँ शिकस्त होती है ईगल आईज को तो फिर वेलिंगटन जैगुअर्स की टीम जो है वो अगले मरहले में पहुँच जाएगी। बिल्कुल, एक बड़ा टारगेट चेस करने के लिए आए हुए हैं अकबर पोली और हाफिज पोला को इस बात का एहसास होगा। 16 गेंदों पर 48 रन दरकार हैं,
पाँच छः एटलीस्ट बड़ी हिट चाहिए होंगी उन्हें इस टारगेट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर छः छक्के लगाते हैं तो 36 रन हो जाते हैं। ये पीछे गिरा हुआ गेंद था, इसको पुल किया, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा और ईगल आइज ने जो वाहिद कामयाबी हासिल की है उसमें ये दोनों बैट्समैन क्रीज पर मौजूद थे, इनका बहुत क्लीदी किरदार था ईगल आइज की कामयाबी में, और आज भी देखना होगा कि अपनी टीम को वो अगले मरहले तक पहुंचाते हैं या नहीं। टैग पार्टनर ऑफ दिस MCL 2021 फॉर बॉल बाय बॉल अपडेट्स विजिट www.crickslab.com। टेप बॉल का रिवायती खेल, लेकिन इसमें जिद्दत का तड़का लगाया गया है। जियो सुपर पर आप ये मैचेस देख रहे हैं, डिजिटल स्कोरिंग भी आपकी स्क्रीन्स पर आ रही है, और ये रवायती खेल नसीम जो गली मोहल्लों में खेला जाता था, अब वो नेशनल लेवल पर और दुनिया भर में देखा जा रहा है जियो सुपर की स्क्रीन्स के थ्रू। बिल्कुल, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है, ईगल्स आई को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ये मैच भी जीतना है, और अंपायर का इशारा देखना होगा, ये वाइट बॉल करार दिए अंपायर ने, इस तरह एक्स्ट्रा का एक और रन मिला, 15 गेंदों पर 46 रन दरकार ईगल्स आई को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। यह नामुमकिन कुछ नहीं है, लेकिन एक्स्ट्राज इस इनिंग्स में हमने बहुत ज्यादा देखे हैं, डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की केपी के टाइगर्स की टीम ने। हाफिज पोला स्क्रीन पर, बड़ी इनिंग्स यहां पर खेलनी होगी, अपनी टीम को कामयाबी दिलवाना होगी हाफिज पोला और अकबर पोली ने। हमजा और अपना रनअप मिस कर गए हमजा जदून, 15 गेंदों पर 46 रन दरकार हैं ईगल आइज को। ये अकबर पोली आपकी स्क्रीन पर, बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल है इन्हें टेप बॉल क्रिकेट का, लाहौर से इनका ताल्लुक है, और ये हैं हमजा जदून बाएं हाथ के फास्ट बॉलर, और ये थोड़ा पीछे गेंद था, वेट किया इसका हाफिज ने और इस गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, दोनों हाथ हवा में, 6 रन और डग आउट में खुशियां। बिल्कुल, डग आउट में खुशियां तो आनी है, उन्हें पता है कि इस मैच को जीतना है तो सेमीफाइनल में पहुंचना है। 14 गेंदों पर 40 रन दरकार और ये शानदार छक्का यहां पर हाफिज पोले का शानदार छक्का। ये पंजाब के रवायती नाम है नसीम, और हमने पंजाब के रवायती खाने अपने कॉम बॉक्स में भी इंजॉय किए हैं, जब आप गुजरात आए तो हर तरफ आपको खाबे दिखाई देते हैं, लेकिन इस वक्त हाफिज और ये जदून का गेंद, थिकर एज हुआ, थर्ड मैन पर एक फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए वापस आए जल्दी करना होगी, लेकिन लगता है कि वो पहुंच चुके हैं और बिल्कुल अपनी क्रीज में वापस। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों की जानिब से, उन्हें पता है कि टारगेट अभी भी इतना आसान नहीं है और एक एक रन खासा इंपॉर्टेंट होगा, और एक मुश्किल रन यहां मुकम्मल किया हाफिज पोले ने, अब बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। या बहुत फ्लैट थ्रो थी और बिल्कुल ये एक्यूरेट आनी चाहिए थी, वन बाउंस की वजह से वक्त जाया हुआ और हाफिज पोला अपनी क्रीज में पहुंच गए, आसान फैसला अंपायर अशरफ भट्टी के लिए। 13 गेंदों पर 38 रन दरकार हैं, हमजा जदून चौथे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे हाफिज पोलक, और एक बार फिर अपना रन अप मिस कर गए। क्या ये दबाव है नसीम अहम मैच का, या फिर वो डिसीव करना चाहते हैं बैट्समैन को, उनकी कंसंट्रेशन खराब करना चाहते हैं? देखिए, इतना ज्यादा दबाव तो है नहीं MCC KP के टाइगर्स पर, क्योंकि वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा रन अप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गए। बॉलिंग नो बॉल, एक और फ्री हिट इस मैच में, MCC KP के टाइगर्स की जानिब से कई नो बॉल्स देखने को मिली हैं, पहला ओवर ही 38 रन का हुआ था। और नसीम ये नो बॉल यकीनन फैसला कुन साबित होगी, ये देखिए साइड एंगल से, और ये पांव काफी आगे चला गया, बिल्कुल ये दुरुस्त फैसला सरवर भट्टी का। और अब फ्री हिट से देखते हैं कि अकबर पोली कितना फ़ायदा उठाते हैं, आमतौर पर इस इवेंट में हमने देखा है कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए वो फ्री हिट्स का। तेरह गेंदे 36 रन दरकार, अकबर पोली सामना कर रहे हैं हमजा का।
टारगेट ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है, ये बनने वाला टारगेट है। फुल टॉस, गेंद और उसे पहुंचाया बाउंड्री के बाहर, लेकिन ये एक और नो बॉल होगी क्योंकि वेस्ट हाइट से ऊपर ये गेंद थी। अंपायर सरमद भट्टी का इशारा, टारगेट आसान होता हुआ। बिल्कुल, अब यूं लगता है कि पोला और पोली अपनी टीम को अगले मरहले में लेकर जा रहे हैं। और ये जो और दिस सिक्स ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। तेरह गेंदे 29 रन दरकार और ये फ्री हिट होगी। इतनी नो बॉल्स हमने देखी हैं आज एमसीसीकेपी के टाइगर्स की जानिब से। कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लगे आपको यहाँ फरहान? बिल्कुल, नो बॉल इस पूरे टूर्नामेंट्स में कंट्रोल नहीं हो पाई और ये यॉर्कर करने की कोशिश की, ऑन साइड पर खेला अकबर पोली ने। दोनों बैट्समैन दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते थे और ये ओवर थ्रो हो गया और यहाँ पर आसानी से दूसरा रन मुकम्मल किया और तीसरा रन भी चाहते थे। दो रन यहाँ पर मिले, खासा महंगा ओवर साबित हुआ है। चार ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, स्कोर है 96 रन दो विकेटों के नुकसान पर, 27 रन दरकार हैं ईगल आईज को। चौधरी मोहसिन अलमारूफ पप्पू जापानी इस टीम के ओनर हैं, स्माइल 1122 और टेंशन में होंगे। उनकी टीम जीतती है तो फिर सेमीफाइनल में पहुंचती है। इससे पहले कि इस ओवर की दूसरी बॉल हो, हमारी प्रेजेंटर इस्मा असलम इस वक्त इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। इट्स ओवर टू यू इस्मा असलम। थैंक यू सो मच नसीम राजपूत। कमेंट्री बॉक्स में बता रहे थे कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और मेरे साथ कौन है? मेरे साथ हैं ट्रिपल ए एसोसिएट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड शहजाद कयानी, उनसे बात करेंगे। शहजाद, इतना ज़बरदस्त इवेंट हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, हमारे व्यूवर्स अपने घरों में बैठे हुए स्क्रीन्स के सामने इस इवेंट को इंजॉय कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस था आप लोगों का बिहाइंड द स्पॉन्सरशिप? थैंक यू सो मच इस्मा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर। इसके पीछे यह था जी कि यूथ को हम निकालें, बीच में साथ ENF का प्रोग्राम नो ड्रग्स भी चल रहा था एंड वी वांटेड यूथ टू पार्टिसिपेट इन पॉजिटिव एक्टिविटीज़। सो दैट वाज द प्राइम मोटिव कि यूथ को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में निकाला जाए, उनकी पॉजिटिव एनर्जीज यूज़ की जाए। ठीक है, थॉट प्रोसेस तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। क्या ज़बरदस्त छक्का मारा है यहाँ पे पोली ने और मैच जो है वो जीतने के करीब है। इस्माइल जो है उनकी टीम इस्माइल ईगल्स आए एंड दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएशन एसोसिएट्स। और उन्हीं के MD से हम लोग बात कर रहे थे, बता रहे थे कि मोटिव क्या था उनके स्पॉन्सरशिप के पीछे। तो कैसा लग रहा है? अच्छा मैच चल रहा है, अच्छी एक्टिविटीज़ चल रही हैं ग्राउंड में? ग्राउंड में जी बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ चल रही हैं और इट्स सो हैपनिंग और मैचेस जो हैं वो बहुत कांटेदार हो रहे हैं एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग एंड व्हाइल कमिंग ओवर हियर आई सॉ लॉट ऑफ क्राउड वांट्स टू बी इन। वी होप एंड प्रे कि कोविड और इसकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी ख़त्म हो एंड एवरीवन इज लाइव ओवर हियर। तो आपको भी ये बॉल हवा में है और ये ज़बरदस्त छक्का मारा है, ये मैं कन्फर्म नहीं कर सकती कि ये पोली ने मारा है या पोला ने मारा है, लेकिन छक्का बहुत ही कमाल का था। तो आपको क्रिकेट पसंद है? जी बिल्कुल जी, बहुत पसंद है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान खेली है कभी आपने? जी बिल्कुल, मैंने बॉल ही खेलते हैं आप भी? नहीं, मैंने 92-34 हार्ड बॉल खेली है। जबरदस्त हार्ड बॉल खेला हुआ उन्होंने। और कुछ कहना चाहेंगे आप यंगस्टर्स जो हमें देख रहे हैं? इस तरह के इवेंट ज़ाहिर होते रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी, जैसे आपने बात की कि यूथ को बाहर निकालना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट्स कराएं हम लोग। सो ट्रू जी, ये इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, करदू शंदूर मेले से लेके गोल्फ से लेके एंड दिस क्रिकेट इवेंट एंड वी आर सो थैंकफुल टू जियो सुपर कि वो तमाम हेल्दी एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स इवेंट्स को इतना सुपर कवर करते हैं कि इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच शहजाद कयानी, थे हमारे साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ट्रिपल ए एसोसिएट्स के। नाउ बैक टू द कमेंट्री बॉक्स एंड थैंक यू वेरी मच इस्मा असलम। कर्नल शहजाद कयानी ट्रिपल ए एसोसिएट्स के जो टाइटल स्पॉन्सर हैं इस मारखोर चैम्पियंस लीग 2021 के, बात कर रहे थे कि इंजॉय किया ट्रिपल ए एसोसिएट्स ने जो काविश थी मारखोर चैम्पियंस लीग 2021 के ऑफिशल्स की जानिब से। 8 गेंदों पर 13 रन दरकार, फरहान ये तो बन रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई मुश्किल नहीं। और ये देखिए, ये हैं पप्पू जापानी जिनकी आप बात कर रहे थे, कितना देखें इन्वॉल्व हैं अपनी टीम के साथ, जापान में काफ़ी वक्त गुजारा है और इसलिए पप्पू जापानी कहलाते हैं।
और ये बॉल आगे गिरा हुआ था, इसको खेला, हवा में खेला और बाउंड्री लाइन के पास से फील्डर ने बॉल को पिक किया। एक ही रन यहां मिलेगा हाफिज आकिब को। ये वाहिद ऑनर है पप्पू जापानी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम खिलाड़ियों की तरह है, जो इलाकों के नाम पे होता है, शफीक सरगोदा, सियालकोट, और ये पप्पू जापानी। जी हाँ, इनका ताल्लुक भी सियालकोट से है और ये सियालकोट की क्रिकेट हलकों में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और सरपरस्ती करते हैं टेप बॉल क्रिकेट की, और यहाँ भी वो पूरी तरह से अपनी टीम को दाद देते हुए, और वो चाहते हैं कि उनकी टीम क्वालिफाई करे अगले मरहले के लिए। और 1-1-1 नेल्सन, और इस दफा खेल दिया ऊंचा शॉट, हवा से बातें करता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। अकबर पोली की हिटिंग जबरदस्त रही है, 224वां छक्का है, और दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। अकबर पोली ने कोई हिट भी ऐसी नहीं लगाई कि जो पोली हो, सारी इतनी जोर की लगाई है जो बाहर की तरफ गई है। शानदार छक्का अकबर पोली की जानिब से, तमाम तर तवज्जो का मरकज रहे अकबर पोली आज ईगल्स आई की इनिंग के 117/2 ईगल्स आई। और ये है ईगल आईज का बैटिंग कार्ड, 117 रन्स, 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर्स में। अकबर पोली जिसकी अभी बात की नसीम ने, 15 गेंदों पर 48 रन्स बना चुके हैं, इससे पहले खुरम चकवाल ने 6 गेंदों पर 26 रन्स बनाए, एहतसाम सत्ती 20 रन्स बनाकर आउट हुए, और इनका साथ दे रहे हैं हाफिज, और 13 एक्स्ट्रा थे इस इनिंग्स में। बॉलिंग कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद यासीन, जिनका पहला ओवर बहुत महंगा रहा था, 32 रन्स दिए, 1 विकेट ली। हमजा जदून ने 2 ओवर्स में 24 रन्स दिए और खुशहाल खान ने 2 ओवर्स में 40 रन्स दिए। इस्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आई सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। सनम इकबाल गेंद करने आए हैं, इस बार अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, वाइट बॉल का सिग्नल, इस तरह एक्स्ट्रा का और रन हासिल हुआ यहां ईगल्स आई को। बिल्कुल जीत के करीब पहुंच चुके हैं, और अगर आप अकबर पोली की हिटिंग देखें तो हवा एक तरफ से दूसरी जानिब चल रही है और उसी तरफ उन्होंने स्क्वेयर लेग पर बड़े बड़े छक्के मारे हैं। और इस वक्त स्क्रीन पर हाफिज आकिब, काफी पीछे गिरा हुआ गेंद था, और जब बॉल बाहर जाती है तो वो वाइड मांगते हैं अंपायर से, और इस बार सनम ने अपनी उंगली से इशारा किया कि ये वाइड नहीं है, तो ये नोक झोंक भी टेप बॉल क्रिकेट में खिलाड़ियों के दरमियान चलती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बैट्समैन को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। यहाँ फरहान, ये ओवर इतना ज्यादा मुश्किल पेश आनी नहीं चाहिए इस्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आई को इस मैच में फतह के लिए, लेकिन छक्का मारने से ज्यादा बेहतर है कि इस वक्त तमाम फील्ड दूर है, रन अ बॉल आपको दरकार है, इस तरह की डॉट बॉल कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। लकी रहे लेकिन नहीं रहे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट हुए, यूं नुकसान उठाना पड़ा, खुद ही मैच को मुश्किल बना रहे हैं इस वक्त इस्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आई के बैट्समैन। बिल्कुल कतन जरूरत नहीं थी ऐसे शॉट की, और उसके बाद फिर इस तरह का बाई का रन लेने की, और यूं हाफिज आके पोला वापस जाते हुए, और अब 4 गेंदों पर 5 रन चाहिए, मुश्किल नहीं है लेकिन इसको और आसान बनाया जा सकता था। अपने डग आउट की तरफ वापस जा रहे हैं बोझिल कदमों के साथ, 10 रन बनाए इन्होंने, 7 गेंदों का सामना किया, और सनम इकबाल ने बहुत अच्छा रन आउट किया अपनी ही बॉलिंग पर, और अब सिर्फ 5 रन चाहिए 4 गेंदों पर, और अकबर पोली जो सेट बैट्समैन है वो सामना करेंगे सनम इकबाल का। इस्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आई की टीम अपने लिए इस मैच को मुश्किल बना रही है, 6 गेंदों पे 5 रन दरकार थे, अब 4 गेंदों पे 5 रन दरकार हैं, और एक सैड बैट्समैन भी आउट हुए, लेकिन जो सही सैड बैट्समैन है अकबर पोली स्ट्राइक पर, और अकबर पोली का जोरदार छक्का, इस तरह इस्माइल 1-1-2-2 की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब। खिलाड़ियों से ज्यादा तेज उनके ऑनर पप्पू जापानी पहुंचे इस वक्त अकबर पोली के पास, और क्यों ना खुशी हो यहाँ पर क्योंकि उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। फरहान,
जी हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी। और ये देखिए सजदा शुक्र में गिर गए अकबर पोली, और बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले जो पहुंचे वो इनके ओनर थे पप्पू जापानी। पांच छठे ओवर की चौथी गेंद पर हदफ हासिल किया, ये देखिए पुल किया इसको और ये गेंद हवा में उड़ता हुआ गिरा स्टैंड्स के अंदर, जो इस बात का ऐलान था कि ईगल आइज की टीम अगले मरहले तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। और जिस तरह की फतह हासिल की, 123 रन का टारगेट हासिल किया पप्पू, हो सकता है जापान से भी पहुंच जाते। बिल्कुल, जितनी उनकी खुशी है, और अब दुआ मांग रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं कि उनकी टीम यहां तक पहुंची है। और शुक्र अदा करना चाहिए कि 8 टीम्स के इवेंट में सिर्फ 4 टीमें अगले मरहले तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुई, और उनमें एक टीम ईगल आइज की भी है। फिर इस ग्रुप बी से एमसीसी केपी के टाइगर्स जो ये मैच हारी है, और उनके साथ इस्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आई सेमीफाइनल में पहुंच गए। अकबर पोली खुशी में आंखों में आंसू भी आ गए थे क्योंकि फतह हासिल किए यहां पर। ये स्कोर कार्ड, खुरम चकवाल 26 रन 6 गेंदों पर, अकबर पोली द मैन ऑफ द मोमेंट 54 ऑन 16 बॉल्स 20 बाय एहतिशाम सत्ती ऑन 8। इसके अलावा 14 एक्स्ट्राज ने भी बहुत मदद की, 5.3 ओवर्स में टारगेट हासिल किया स्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आई ने। और ये बॉलिंग कार्ड है, हमने बताया मोहम्मद यासीन के पहले ओवर में बहुत रन्स बने, 32 रन्स दिए। हमजा जदून ने 2 ओवर में 24 रन्स दिए। खुशाल खान को 2 ओवर में 40 रन्स पड़े, और सनम इकबाल की 3 गेंदों पर जो ये छक्का लगा उसने पहुंचा दिया ईगल आइज को अगले मरहले में। और ये मैच समरी आपकी स्क्रीन पर, एमसीसी केपी के टाइगर 122 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर। सरबत हमीद ने 57 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग खेली, सनम इकबाल ने 28 रन बनाए, अहमद कुल्फी जो बड़े अच्छे बॉलर साबित हुए इस टूर्नामेंट में 2 विकेटें हासिल की, और इसका जवाब दिया छठे ओवर की चौथी गेंद पर अकबर पोली के 54 रन के साथ ईगल आइज ने कामयाबी हासिल की। खुरम चकवाल के 26 रन भी नुमाया रहे।